शनिवार को करनाल में युग पुरुष महाराज अग्रसेन की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई, जिसके चलते महाराजा अग्रसेन चौक पर उनके प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। आपको बता दें कि महाराजा अग्रसेन चौक पर लगी महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज से जुड़े लोगों ने पुष्प अर्पित किए, साथ ही उनके दिखाए गए रास्ते पर चलने का आह्वान भी किया। इस मौके पर करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता ने पहुंचकर महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा को पुष्प अर्पित किए। उन्होंने कहा कि युग पुरुष महाराजा अग्रसेन समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके दिखाए गए रास्ते पर चलकर एक ईंट की प्रथा चलाई गई थी, जिससे समाज के गरीब लोग सहायता प्राप्त कर पाते थे। उसी परंपरा को आगे निभाते हुए अग्रसेन समाज गरीब बेसहारा लोगों की सहायता करने के लिए हमेशा अग्रणी रहता है। समाज द्वारा विभिन्न स्थानों पर देश भर में धर्मशालाएं एवं मंदिर स्थापित कर लोगों की सेवा की जा रही है। इस अवसर पर उन्होंने महाराजा अग्रसेन जयंती के सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर समाज के गणमान्य व्यक्तियों के अलावा विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक दलों से जुड़े लोग भी मौजूद रहे। काम है कि आज हमारे भारत, आज हमारे शहर में जो इस महामारी का प्रकोप है वो कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है। आने वाले समय में भी सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं सबसे ये वंदनीय मेरे अगर बंधु हैं, मैं सबका नाम लूंगी तो शायद बहुत समय लग जाएगा, पर वंदनीय सभी अगर बंधुओं से ये हमेशा इस बात के लिए दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, आप हमेशा अपनी सेवा को बेहतर ढंग से करनाल में भी और पूरे शहर में के साथ साथ देश में भी करने के लिए आगे रहते हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा से ही अग्रणी रहा है, किसी भी तरह के सेवा भाव में समाज को नई दिशा देने में, मार्गदर्शन देने में और किसी भी तरह का दायित्व उठाने में बहुत बहुत साधुवाद मेरे यहाँ के आयोजकों को, यहाँ के सभी सहयोगियों जो उन्होंने आज एक कार्यक्रम आयोजित किया। बहुत जरूरी है आज के समाज में कि हम आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है अंत्योदय, उसको अग्रसेन समाज ने हमेशा से जिया है, हमेशा से चरितार्थ करा है और बहुत गौरवान्वित हूँ आज यहाँ पर आकर। बहुत बहुत साधुवाद मेरा सभी आज के लिए। 1 रुपए और 1 की प्रथा चलाकर समाज को स्थापित किया उन्होंने, एक सेवा का मंच पर आए और मुझे इस बात का विशेष गौरव महसूस होता है कि हम महाराजा अग्रसेन जी के वंशज हैं जिन्होंने समाज को एक दिशा दी और राष्ट्रीय बंधु मिलकर समाज में कोई भी सेवा है, कहीं भी कोई भी अपना कार्य है वो बड़े खुशी से करता है। मेरी प्रार्थना है हमारे पंकज लोक जी की सच्चे बेटे जिन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया है, कृपया मंच पर आए। मैं सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए सभी समाज के बंधुओं को बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.